like you are home. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. 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 You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. What's up YouTube? This is Bank System और मैं हूं भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग। सो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है गाइस वो है थार के ऊपर। ब्लैक कलर की थार है, ब्रांड न्यू थार है, सीधा शोरूम से पूरी की पूरी मॉडिफाइड हो रखी है। आज की वीडियो में उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि उसमें कितना खर्चा आ रखा है और क्या उसकी मॉडिफिकेशन है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो, क्योंकि थार जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग होने। पहली चीज तो हमने इसकी जो है वो फ्रंट लुक अपग्रेड की है। फ्रंट लुक आप देख सकते हो, इसका प्लास्टिक का जो बम्पर आता है हमने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद इसका मेटल का बम्पर बना है जो 3 mm की शीट में विद मिग वेल्डिंग बना है। देन आपके इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए हैं, फॉग लैंप्स ऐड ऑन किए हैं, फिर फ्रंट लाइट को अपग्रेड किया गया है फॉर अ बेटर व्यू। एंग्री ग्रिल लगी है इसमें। और ये गाड़ी जो है ये कोटेड है, दिस इज बेसिकली सेरेमिक कोटेड। उसके बाद क्या है, इसके जो टायर आप देख रहे हो ये 32 inches के टायर है। 32 inches स्टील रिम्स, प्रोकॉम के स्टील रिम्स है, स्टील रिम्स जो नॉर्मल स्टील रिम्स से लाइटर होते हैं। मैंने इसमें हार्ड टॉप किया है हमने पूरा, ये सारा मेटल का हार्ड टॉप है, अगेन मिग वेल्डिंग से वेल्ड हुआ। टफन ग्लासेस हैं। हम जो बीटिंग यूज करते हैं ये सिर्फ हम यूज करते हैं ताकि ये फिनिशिंग प्लस आपके जो रिमूव है जो ग्लास है कोई इजीली रिमूव ना कर सके। देन इसका बैक डोर आता है, इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये टायर का जो है वो वेट ले सके। एसेंस आपको कोई इशू ना आए कि विद टाइम जो थार में इशू आता है जो आपकी नॉकिंग शुरू हो जाती है वो इससे नहीं आती है। देन इसमें आप देख सकते हो इसकी टेल लाइट्स अपग्रेडेड है, रियर बम्पर अपग्रेडेड है, बम्पर में रिवर्स के टाइम एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं ताकि आपको पीछे जो है क्लियर व्यू मिले। फिर इसका जो ओपनिंग है ये सिंगल डोर है, सिंगल डोर से आपकी जो फिनिशिंग है प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ है डोर की वो बढ़ जाती है। उसके बाद आप इंटीरियर चेक करोगे तो ये हमारी कस्टमाइज सीट्स हैं रियर एंड फ्रंट। इसमें ऑटोमेटिक सनरूफ लगा है टॉप पर, दिस इज एन H300 ट्रॉपिक मॉडल। और मैं आपको अंदर का भी एक करवाता हूँ। सो होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और गाड़ी तो बहुत ही अल्टीमेट है, थार बहुत अमेजिंग लग रही है। इंटीरियर में फर्स्टली तो हमने डोर पैनल चेंज किए, डोर पैनल सारा इंटीरियर इसका ब्लैक है। सेकेंडली इसका जो डैशबोर्ड है अभी वो ब्लैक होगा, ब्लैक ये ऑन लास्ट रिक्वेस्ट जो है हम इसको ब्लैक कर रहे हैं ताकि वो सब कुछ इंटीरियर जो है वो मैच हो जाए। उसके बाद इस पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे, स्टेयरिंग पे, पैनल्स पे जो है वुडन कोटिंग हो रखी है। इसके कंसोल पे भी एक नया डिजाइन डेवलप किया है ताकि सिर्फ सेंटर में जो है वो वुडन फिनिश हो, बाकी सब ब्लैक रहेगा। अभी इसमें जो म्यूजिक रहे हो हाँ वो भी हमारी कस्टमाइज सीट्स हैं। टोटल बकेट कम्फर्ट ओनली, पूरी बकेट फिट सीट्स है। इसमें सिस्टम इसलिए नहीं है बिकॉज ये प्लान कर रहे हैं गाड़ी को फिलहाल ऑफ रोड यूज करने के लिए। एक बार इनका ऑफ रोड का शौक पूरा हो जाए देन हम इसमें जो है ऑडियो अपग्रेड करेंगे। इस गाड़ी का कुछ जो बजट बना है कुछ 4 lakh का बजट बना है, 4 lakh के आसपास 4 lakh का बजट है। ये टॉप CRD मॉडल है जिसमें ये सब कुछ अपग्रेड हुआ होगा, तो इसमें जो ये ऊपर माउस लाइट्स लगी हुई हैं, ये रूफ लाइट्स लगी हैं, उनको मार्कर लाइट्स भी बोलते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको सारी लाइट्स ऑन करके इसका फिर एक व्यू दिखाते हैं। ओके सो गाइस ये हैं इसकी आगे के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ये इसमें एक्स्ट्रा LEDs जो दे रखे हैं आप देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव जो लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को, बहुत बढ़िया लग रही है आगे से जो इसका फ्रंट है। आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं कितना शानदार आगे से इसका फ्रंट लग रहा है। जो ऊपर की जो मार्कर लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं कितनी सूट कर रही हैं जीप के साथ, एकदम फुली ब्लैक है और ऊपर से ये रेड लाइट्स जो इस पर लगी हुई हैं बहुत ही अच्छी लुक्स दे रही हैं इस गाड़ी को। एक बार फिर से आप इसको आगे से देखिए,
बहुत शानदार लुक आ रही है। ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी नंबर भी नहीं लगा, सीधे एजेंसी से लेके यहाँ रेविट्स पे आ गए थे, उसके बाद टोटल मॉडिफिकेशन करके वो यहाँ से इसको लेके जाएंगे। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको सनरूफ खोल के कि सनरूफ कैसा लग रहा है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। इसका जो सनरूफ है इसका नाम है H300 ट्रॉपिक, इसमें आपका रोलर शटर भी आता है, देन ये आपका जो बटन कंट्रोल्ड सनरूफ है, आप जितना इसको प्रेस करेंगे ये उतना खुल जाएगा। ये टिल्ट भी होता है, प्लस इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इसकी 11 इंचेस की जो है वो ओपनिंग रहती है, स्टैंडर्ड साइज जो आता है सब गाड़ियों के। इसमें आपका क्लोजिंग है, प्लस इसमें एक फीचर आता है कि अगर आपका हाथ बीच में आ जाए तो इट ग्लास गोज बैक। आप देखेंगे मैं ये स्विच दबा के रख रहा हूँ, उसके बाद मैंने हाथ बीच में किया वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा, उसके बाद ये फिर आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। सो ये सनरूफ अगर सिर्फ सनरूफ लगवाना हो तो ये कितने का लगेगा? ये आपका जो ऑटोमेटिक सनरूफ है वो 65,000 से लेके 180,000 के मॉडल्स है हमारे पास। 180,000 65,000 से स्टार्ट है, 65, 75, 125, देन 180,000। तो बास्टो कंपनी जो है ये आपकी OEM सप्लायर्स है फ्रॉम योर ऑडी टू योर लैम्बोर्गिनी। आप जिस भी गाड़ी में सनरूफ देखते हैं, कन्वर्टेबल रूफ देखते हैं, वो बास्टो की ही आती है, बास्टो की आती है, बिल्कुल। ओके तो गाइज ये थी मेरी आज की थार की मॉडिफिकेशन की वीडियो, जो कि रेविट से हो रखी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, ब्रांड न्यू गाड़ी है और उन्होंने बहुत अच्छा जो इसमें है वो मॉडिफिकेशन का काम करा रखा है। मेरा दिल खुश हो गया देख के गाड़ी को, बहुत ही प्यारी, फुल ब्लैक है और बहुत अच्छी लग रही है उसकी रोड अपीयरेंस। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोज को देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए गाइज, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।